अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद। क्रोनोलॉजी समझिए, जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं वो क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की जरूरत है। जिस दिन सरकार का ये प्रस्तुत था उस दिन भी छापे पड़ रहे थे, उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 2017 चले 8,000 करोड़ बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी जांच संस्थाने लग गए। आज हो गया 23, लगभग 6 साल, कहां गया वो संपत्ति, कहां गए वो 1,000 करोड़ों, कौन लोग यही अलगा अलगा के भाषण देता फिर क्या करो, मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हो या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता, इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना ठेंगा मिला, तेजस्वी का ठेंगा, पंचनामा दिखाओ, ये तो हम दिखा दें, बदनाम करने की राजनीति हद होती है। यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया, तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है, हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े हो गए, इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में है जो नहीं, उनके यहाँ भी छापा, हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो लोग हैं पूरे तरीके से फर्जी है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग, और हम लोग जो हैं रियल पब्लिक साइंस वाले लोग हैं, असल समाजवादी लोग हैं, उनके डराने से झुकाने से हम लोग झुकने वाले एकदम नहीं है। इनके षड्यंत्र, नकारात्मक राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए, और वो जिगर मेरे पास है, जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है, और जमीर मेरे पास है, और विचार मेरे पास है। और क्या दिखा रहे हैं आप बताइए, मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा, बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है, उनके हाथ का कंगन, कान का, पहने का श्रृंगार का, नाक का श्रृंगार का, पैर का श्रृंगार का इकट्ठा करके फोटो, यूज्ड ज्वेलरी का फोटो खींच करके ईडी जो है लगा रही है, बताइए कितना शोभनीय। अब आपके घर में भी माँ बहन भाभी सब रहता हो क्या, वो कान में नहीं पहनती, अब 4-5 जगह मरिएगा और वहाँ 8-10 की संख्या में, 15 की संख्या में महिलाएं होंगी, उनका उतरवा करके फोटो खिंचवा लीजिएगा और कहिएगा कि इतना किलो सोना मिला, इतना किलो सोना मिला। अरे भाई मेरी बहन अच्छे परिवार में ब्याह दी गई, और ज़्यादातर बहनों जिनके यहाँ छापा पड़ा, ज़्यादातर बहनें वो थी जो 2012 के बाद भी आई, यानी रेलवे टर्म से किसी को लेना देना नहीं। लालू जी 2005-04 से नौ तक, ज्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है 4th नंबर की, 5वीं नंबर की, 6ठी नंबर की, 7वीं नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई, अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है, उनके यहाँ जा करके अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझे 24-25 जगह छापा मरा, हर जगह 1-2 लाख भी मिलेगा तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया, उससे ज्यादा तो गिरिराज सिंह जी क्या जो चोरी हुआ था उससे ज्यादा पैसा तो वहां था, करोड़ों के रकम। तो इस तरह का भयावह
न्यूज प्रोपेगेंडा से फिसने चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को सही ठहराया जाए। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं, इनको जो करना है कहना है ये करते रहे। उसलिए हम लोग यहाँ वापस पटना अभी और आप लोग सब लोग जानते हैं मेरी जो धर्म आखिरी महीना चल रहा है और हमेशा आखिरी महीने में उनको सेहत को लेकर से ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर उनका रेगुलर हाई रहता है। और ये सीबीआई वाले ईडी वाले आए यार आधे घंटे में काम इनका खत्म हो गया, बाकी सारा टाइम ये बैठे रहे। हम लोगों ने चाय पिलाया खाना खिलाया बैठे रहे। हम बोले अब हो गया, पूरा घर देख लिया सब कुछ देख लिया जगह देख लिया, अब क्यों नहीं जा रहे? तो ऊपर से फोन आ जाएगा तो चले जाएगा, बैठने के लिए कहा गया था क्यों चलता है। अब आप बताइए ये स्थिति है, अब इस पर हम क्या कहें? न्यूज लोगों कुछ लोग तो अलग ही हेडलाइन चलाते, अदानी हम ही है क्या? 80,000 करोड़ का हमको लग रहा है देश के अदानी तो हम ही लोग हैं। सबसे ज्यादा रेड हमारे परिवार में आज तक पड़ा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में, सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगी हुई। 80,000 करोड़ वाला ड्रग्स वाला सब गायब हो गया, भाजपा के यहाँ कोई नहीं जाता। तो उसने हमने पहले भी कहा था जब बौखलाहट जो यहाँ हम लोगों ने चुनौती दी पूर्णिया में और भीड़ देख के जब पकड़ा गई था उसी टाइम सरेंडर कर दीजिए। पहले का क्या हुआ, लड़े हम जीते कहीं पर, अब हर चीज़ ये सब बताने की चीज़ें थोड़ी ना होती। हम लोग चाहते अपना काम जो है बिहार की सेवा करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें और यहाँ हम लोगों को ये लोग चाहता है कि डाइवर्ट करें। अभी भाजपा ये सब चिल्ला रहा है, जरा पूछेगा लोग माफ़ी मांगेगा कि भाई चलाया नीचे कीजिए ना तमिलनाडु वाला क्या हुआ जो हम लोग हम बोले उस सब था निकला कि नहीं निकला सच। ये ऐसे ही करते नहीं, ये बेशर्म शर्म है या कोई नाम कोई है इन लोगों पे। और कुछ लोग बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग रहते ही हैं ना भाई, तो उन खबर चलाते हैं तो उनकी खुशी केवल 10 दिन ही है, बाकी दिन अभी खबर चलाएंगे ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद।